सब जानते हैं जिधर ऐसा है यहाँ सबको सुख शांति मिलती है। और कहीं तो इसको कहते ही ओम शांति का लिया कि हम ओम शांति वालों के पास जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का महामंत्र है। और तीन बार ओम शांति का अर्थ भी यही है कि हम आत्माएं वो शांति धाम घर के रहवासी हैं। शांति धाम, शांति का सागर परमात्मा मेरा पिता है और शांति उस आत्मा का स्वधर्म भी है। लेकिन बीच बीच में आज भगवान अपने महावाक्यों के अंदर कह रहे थे कि वैरायटी भोजन तो चाहिए, वैरायटी पार्ट भी चाहिए। जैसे अभी वल्लभ भाई जी से सुन रहे थे, मनोरंजन कार्यक्रम भी चाहिए होता है। एक हमारी साइंस बताती है कि 40 मिनट हमारे पास सिर्फ ग्रहण शक्ति होती है, जब एक ही बात को सुन सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा टेस्ट चेंज कर देना चाहिए। इसलिए बीच बीच में चेंज होना जरूरी है। तो आज हम सभी इस अवसर पर बैठे हैं। अमृत माता जी का तो नाम ही अमृत है, ज्ञान अमृत पीती है और पिलाती है बहुत लंबे टाइम से। लोग माला को देख करके किस चीज की तारीफ करते हैं, माला की, कि माला बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन तारीफ किसकी होती है? उस धागे की जिसने उनको जोड़ के रखा होता है। तारीफ अमृत माता जी की है कि पूरे परिवार को एक सूत्र में क्यों रखा है, क्योंकि फाउंडेशन पे निर्भर किया करता है, मेन व्यक्ति के निर्भर किया करता है कि कैसा सूत्र में पिरोया है। तो आज बाबा भी हमें ये सिखाते हैं कि आपस में परिवारों में प्रेम रूपी धागा बहुत मजबूत होना चाहिए। प्रेम एक सीमेंट का काम करता है, जैसे मकान बनाते हो सीमेंट जरूरी होता है, लगता ही है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए सीमेंट को नरम होना पड़ता है। लेकिन जोड़े रखने के लिए थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है, हमेशा के लिए जोड़े रखने के लिए कुछ सख्त होना पड़ता है, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं लाभ और नरक का बैलेंस रखो, स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखो। इनके पास दोनों बैलेंस बहुत अच्छा है। मैं देखती हूँ कई बातों में नियम मर्यादा की बात करते हैं, कहते हैं नहीं मैं नहीं घबराती। नियम मर्यादा की जब बात होती है तो ये कहते हैं कि मैं नहीं घबराती, और साथ साथ जब कोई प्यार प्रेम की बात है पूरा प्यार भी लुटाते, तो ऐसा होना भी चाहिए। तो इसलिए आज हम उस परिवार के साथ हैं जहाँ ऐसा प्रेम है, सारा परिवार एक ही आवाज से एकत्रित हो गया और सारे परिवार के अंदर ज्ञान का बीज है। ज्ञान का बीज अविनाशी है, इसका कभी भी विनाश होता नहीं है, ये कभी भी अंकुरित हो जाते हैं। हमारी विमला बहन बैठे हैं, बहुत पुराने बाबा की बहुत सेवाएं की, अमृत माता जी ने तो की है, ये मनोहर दादी के स्टूडेंट हैं, दादी ब्रज पुष्पा जी के संग बहुत रहे हैं। अभी आने वाले सत गुरुवार को मनोहर दादी जी की यादों में भोग लगेगा बाबा को, क्योंकि 17 नवंबर को उन्होंने अपने इस पार्थिव देह को मनोहर दादी जी ने, जिन्होंने बीज बोया था सन 1956 में करनाल में, सारा विरोध तो उन्होंने सहन किया था, इन दादियों ने किया था। उस समय तो ऐसा विरोध था जब इन माताओं ने साथ दिया उनका, इस परिवार ने साथ दिया उनका, बहुत विरोध था। सफेद साड़ी को देख के लोग दरवाजे बंद कर लिया करते थे, आज तो सफेद साड़ी को सलाम करते। आज इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी है, उस समय दरवाजे बंद हो जाते थे कि इनको नहीं मिलना। तो इन्होंने वो विरोध सहन किया है, विरोध के बीच में किसी चीज की स्थापना कर देना अपनी अच्छाई की, वो ज्यादा मायने रखता है। आज हम सब, जब दादियों ने वो त्याग तपस्या करके इन आत्माओं ने इस आश्रम की गतिविधियों को आगे लाने में, आज तो ये बहुत विशाल वृक्ष हो गया। देखते हो आप करनाल में कितनी सेवाएं हैं, 4 सेंटर हैं, लेकिन ये आपके लिए गर्व की बात है कि हम उस फाउंडेशन में बैठे हैं। फाउंडेशन की ईंटें कभी भी दिखती नहीं, वो गुप्ती होती है,
जिस दिन वो बाहर आ जाए तो बिल्डिंग अदला बदली हो जाती है ना। इसलिए ये फाउंडेशन पे बैठे हैं आप, तो फाउंडेशन जितना मजबूत उतनी बिल्डिंग मजबूत हुआ करती है। तो इसलिए ये इस यज्ञ की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए परिवार बहुत अच्छा निमित्त है। तो इन रिश्ते नातों को निभाने के लिए हमें जरूरत है एक वर्ता बनने की। आज भगवान अपने महावाक्यों के अंदर कह रहे थे एक वर्ता हो जाओ। सर्व रिश्तों में एक, एक से सारे रिश्ते हैं। अभी विजय भाई जी बोल रहे थे कि माता और माता को लौकिक रिश्ते नाते सुख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बापों से सर्व रिश्ते जुड़े हैं। ये सही है। अगर भगवान राजी तो सारी दुनिया राजी, अगर वो नहीं राजी तो कोई भी नहीं राजी। उसको राजी करना बहुत जरूरी है। अभी बलदेव भाई जी कह रहे थे ना कि तू ना रुस जावे, कितने सारे सारा संसार रुसे। हम भक्ति में गीत गाया करते थे जग पावे सारा रुस जे, मेरा रुसे न कलगिया वाला, कि सारा संसार रूठे तो रूठे लेकिन वो नहीं रूठे। वो कह रहे थे हरी रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे हरी नहीं ठोर। हरी को मिलाने वाला कौन? बीच में माध्यम हमारे पिता श्री ब्रह्मा रहे। और फिर इन दादियों ने छोटी छोटी उम्र में जे त्याग कर दिया था, उन्होंने आधार फाउंडेशन डाल दिया था। हम तो सब जब उन्होंने सारा कुछ बना के तैयार कर दिया, फिर हम सब आए हमारे भाग्य अनुसार, जहाँ खाने पीने मौज कर रहे हैं आज तो आश्रम पे मौज है हा? कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। उस समय बैक रिकॉर्ड देखा इन लोगों ने, जहाँ आश्रम पे कुछ नहीं होता था, पर वो कहते थे हम खाने पीने नहीं आए, हम तो भगवान की खातिर आ गए। ऐसा त्याग तपस्या था उनका, क्योंकि उन्होंने हर एक व्यक्ति से छोटे से छोटे बच्चे से लेके प्रकृति तक हर एक से सीखा। हम क्या समझ बैठते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत योगी हूँ, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं। पर भगवान ने हमें एक नारा दिया है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। जिस दिन ये कह दिया कि हम सीख गए, उस दिन मानना आप अपने परफेक्शन की लाइन से पीछे हट गए। अभी तक इस दुनिया के अंदर जो इस पतित देह में बैठा है और पतित दुनिया में बैठे हैं, संपूर्ण कोई नहीं है। पर भगवान ने हमें आदेश किया है कि सबके गुण देखो। अगर आप गुण देखेंगे तो आप गुणवान बन जाएंगे। ऐसा भी कोई नहीं जिसके पास कोई गुण ना, ऐसा भी कोई नहीं जिसके अंदर कोई अवगुण ना। पर हमें देखने हैं सबके गुण और विशेषताएं। पर गुण और विशेषताओं को देखते हुए भी उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना, जुड़ना उसी के साथ है कि देने वाला दाता वो है। पिछले मगली में पिछले संडे को बाबा कह रहे थे तन मन धन जन का भाग्य तन सेवा में लगा दो तो तन तंदुरुस्त, मन सेवा में लगा दो मन दुरुस्त, धन सेवा में लगा दो धन से माला माल, जन सेवा में लगा दो तो आपस में परिवारों में प्यार प्रेम कभी कम नहीं होगा। जिनका ऐसा प्यार प्रेम होता है, जो आपस में ऐसा प्यार प्रेम करते हैं, जिनके रिश्तों के अंदर ये श्वास डाल दिया होता है। आज बाबा कह रहे थे ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। शरीर जाए तो जाए लेकिन खुशी न जाए। हम छोटी छोटी चीजों के पीछे अपनी खुशी को गायब कर देते। मान लो मेरा मोबाइल गिर के खराब हो गया, नया मोबाइल आया तो मैं खुश, गिर गया टूट फूट हो गई, जहाँ कहीं इधर उधर हो गया तो मैं परेशान। मेरी जीवन की खुशी इन विनाशी चीजों पे आधारित ना। हमें भगवान ने वो अमर खुशी दी है जो कभी भी भौतिक सुख साधनों के कारण जाती नहीं है। जितना आने जाने का मेला है चीजों का भी और व्यक्तियों का भी, ये तो लगा रहेगा है ना। कुछ आएंगे कुछ मिलते रहेंगे कुछ भी छोड़ते रहेंगे। हमें उन चीजों से परेशान नहीं होना है। जब इसको मेला समझेंगे तब मेले में हम झमेला कर देते हैं, झमेले में नहीं जीना, हम तो मिलन मेले में जीते हैं। तो कहूंगी
जिनके रिश्तों में उसके रिश्तों में सम्मान और रिश्तों में बसा श्वास है, जिनको उस रचयिता और रचना पर पूरा विश्वास है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना नहीं सुंदर होगा। सारी रचना किसकी है? बाबा प्रभु। उनके समान और रिश्तों में वर्षा श्वास है, जिनको रचयिता की रचना पर पूरा पूरा विश्वास है। बहुत सुंदर रचना है, सृष्टि पूरी सुंदर है। हमारी दृष्टि सुंदर है तो ये सृष्टि पूरी सुंदर है, हमारी दृष्टि गलत है तो सृष्टि मन चंगा कठोती में गंगा। अगर मन अच्छा है, कर्म कोई करे चाहे कैसा भी, कोई कुछ भी कर्म करे उसको पॉइंट मिला हुआ है, कर्म कोई करे चाहे कैसा भी, इस रंगमंच पर चाहिए सभी। इसलिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर कोई खास है। किसके लिए? जिसको रचयिता और रचना पर पूरा पूरा विश्वास है, इस परिवार पर भी पूरा विश्वास है और बाबा पर भी। बाबा चार सर्टिफिकेट करा करते हैं, अपने आप से, बाप से, ड्रामा से और इस परिवार से, लौकिक अलौकिक दोनों परिवार से। इस रचना पे पूरा है ना, किसी का मजाक ना अपना गुमान, किसी का मजाक ना उड़ाओ कभी भी, अगर खुश रहना जीवन में, ना किसी का मजाक ना अपना गुमान, सबको दो आदर और रखो अपना सम्मान, अपने सम्मान में जियो, सबका आदर करो लेकिन रखो अपना सम्मान, रहता सदा उनके पास उल्लास है। जो ऐसा करते हैं उनके जीवन में सदा उल्लास बना रहता है, जिसको रचयिता और रचना पर पूरा पूरा विश्वास है। उल्लास किनके पास रहेगा? जिनको रचयिता और रचना पर पूरा विश्वास, क्योंकि एक बदली, एक बादल कहीं बदली आ जाए तो सूरज का अस्तित्व मिटाती नहीं है। एक अगर बदल आ भी गया बीच में सूरज के पास तो उसका अस्तित्व वो बदली मिटाती नहीं। एक भूल, इंसान गलती का पुतला है, एक भूल उसकी पूरा व्यक्तित्व मिटाती नहीं। गलती हो भी गई, आगे से अलर्ट हो जाओ, उससे कुछ सीखो, ये नहीं कि आपका व्यक्तित्व कोई खत्म हो गया। सम्मान खुली वादियों में श्वास है, सबका आदर मान करते चलो, जो खुली वादियों में श्वास है उनके लिए, जिनको रचयिता और रचना पर पूरा विश्वास है। अब हम परिस्थितियों से, इन बातों से घबरा जाया करते हैं बहुत जल्दी। अभी माता जी भी कह रहे थे तो जीवन के बोड़े है ना, हमें तो हर हाल में खुश रहना है। जिंदगी तो कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी, लेकिन उस व्यक्ति को सलाम जो सदा खुश रहते हैं। जिंदगी उसके आगे सिर झुका देती है जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी भी उसके आगे सिर झुकाएगी जो इस दर पे झुकना जानता है, जो इस दर पे भी अकड़ के चले उसके आगे जिंदगी सर नहीं झुकाती है। काली घटाओं के आने से इंद्रधनुष बिखरता है, सात रंगों सात गुणों से सम्मिलित आत्मा है, सात रंग है इसके अंदर। काली घटाओं के आने से इंद्रधनुष बिखरता है, मुश्किल वक्त में रंग जिंदगी का निखरता है, मुश्किल वक्त में रंग जिंदगी का निखरता है। अब हम प्रकृति के सानिध्य में कई बार रहते हैं कई बार नहीं रहते, लेकिन प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर सीखना चाहे तो प्रकृति की कुछ बातें हम करेंगे।
एक निवेदन किया प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति, पुरुष और परमात्मा इन तीनों चीजों के तालमेल से ये सृष्टि स्वर्ग बन जाती है। जब इन तीनों में तालमेल होता है, जब इनका तालमेल बिगड़ता है, ये सृष्टि नरक हो जाती है। परमात्मा फिर से इन तीनों का तालमेल बना लेते हैं। तो प्रकृति के हर एक कण कण से हम सीख सकते हैं। तो किसी ने निवेदन किया, हे फूलो मुझे अपनी महक दे दो। फूलों को क्या कहा, हे फूलो मुझे अपनी महक दे दो, हे पंछियों मुझे अपनी चहक दे दो। पंछियों मुझे अपनी चहक दे दो, लचक अपनी देना मुझे, हे लताओ लचक अपनी देना मुझे, हे लताओ मुझे हल्का हल्का रखना, सुंदर हवा, हवा से हल्का 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 होती है, मुझे हल्का हल्का रखना है हवाओं, मुझ में अपना रंग भरना तुम नजारो, मुझ में अपना रंग भर देना दुनिया के जितने भी नजारे देखते हो, मुझे हर पल नया करना है बहारो, हर पल कुछ नया सिखाना, पुराना सीखेंगे सब कुछ पुराना मिलेगा, नया करेंगे तो सब नया मिलेगा, मुझे नया नया करना है बहारो, पर्व तो मुझे बना दो अपना सा अचल। पर्वतों से क्या सीखना है, अचल, जल्दी हलचल भी नहीं आना किसी भी बात। पर्व तो मुझे बना दो अपना सा अचल, नदियों बेहतर हूं तुझ सकल कर। नदियां क्या सिखाएगी, सदा बहते रहो, चलते रहो, चलती नदियों का पानी सदा साफ सुथरा रहता है, जो पानी खड़ा हो जाए उसमें काई भी जम जाती है, मच्छर मक्खियां सब हो जाते हैं, किटकिटाने पैदा हो जाते हैं, खड़े नहीं रहना बेहतर है, नदियों जैसा बेहतर हूं कल कल, सुबह सूरज की दमक हो रात्रि को चंदा से चमको, ना रात्रि से घबराना ना धूप से घबराना, सुबह सूरज सी दमक हो और रात्रि को चंदा सी चमक हो, विशालता रहे मुझे आकाश की, विशालता कैसी, विशालता रहे मुझ में आकाश की, गति ऐसी हो जैसी प्रकाश, गति कैसी हो, चलते रहना जिंदगी, रुकना मौत समान, रुकना नहीं चलते जाना है जीवन के अंदर, गति ऐसी हो जैसे प्रकाश की, मुझे रहे सागर की गहराई, मेरे पास रहे सागर सी गहराई, मुझे अब लगे ना कोई शय पर रहे, सब अपने अपने ही परिवार है, मालिक सबका एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, हम एक ही घर से आए हैं, हमारी मंजिल एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा घर एक है, बाबा एक है, मधुबन एक है ना, मुरली एक है, ये मुरली सुनते हैं हम, सारा कुछ एक है, एक पिता एक हस्ते हमारे, भक्ति में तो क्या सुना, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, कर लो जगत में प्यार सभी से कोई नहीं पराया, ओम का अर्थ उन्होंने सिर्फ गलती कहाँ हो गई, ओम का अर्थ परमात्मा मान लिया, लेकिन ओम का अर्थ है मैं आत्मा, सबके अंदर आत्मा है जो परमात्मा का बच्चा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अगर परमात्मा होता सबके अंदर, एक दूसरे को मिलने पे क्या कहते हो, हमारा आपस में भाईचारा है, ये तो नहीं कहते हमारा आपस में बापचारा है,